यस क्लास सेवन, आज हम चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम सिविक्स स्टार्ट करेंगे। सिविक्स मीन्स होता है नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं जिसको हम, और इक्वालिटी मतलब समानता। यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे देश में विभिन्न विभिन्न धर्म, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन सभी एक हैं। और इसमें एक ये स्टोरी दे रखी है, आज इस स्टोरी को बच्चे आप सब रीड करोगे और रीड करके हम इसको समझेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि यू मस्ट हैव हर्ड स्टेटमेंट लाइक इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड मैनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिमांडिंग डेमोक्रेसी। ये कह रहा है कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और दुनिया के अनेक देशों में, वर्ल्ड के अनेक देशों में डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, और वहां का जो शासन है प्रजातंत्र या निरंकुश है। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे देश में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मीन्स इज ए फोरम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल गवर्न देमसेल्फ डायरेक्टली और थ्रू दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है, पीपल्स के द्वारा चुनी जाती है, और पीपल्स अपने लोगों को चुन के ही अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और वही देश को चलाते हैं, शासन को चलाते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल। यानी यहाँ क्वेश्चन बैठता है व्हाट इज द मीन ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसका अर्थ होता है कि डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय पीपल, यानी जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। आगे कह रहे हैं इक्वालिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी, व्हाट इट इज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट मलानी स्टोरी। तो कह रहा है कि भारत में जो है डेमोक्रेसी है, जो हम अपने सरकार को चुनते हैं, जो जनता सरकार चुनती है, वो सब पीपल, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो सब बराबर रूप से चुनते हैं। तो यहाँ पर आप इस स्टोरी को रीड करोगे और फिर डेमोक्रेसी के बारे में समझोगे। तो जो अंडरलाइन है इनको आपने अपने नोट्स में लिखना है। थैंक यू।